हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज ये वीडियो होने वाली है कि सेकेंड हैंड बाइक खरीदते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या चेक करने चाहिए, बाइक में क्या चेक करने चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई सेकेंड हैंड बाइक खरीदने वाला है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो उसको भी हेल्प करे। इस वीडियो में आपको टोटल हर एक चीज़ मिल जाएगी, जिसकी वजह से ना अगर आप करोलबाग पे जाके अगर डीलर से भी बाइक ले रहे हो तो भी आप वहाँ पे धोखा नहीं खा पाएंगे। इतनी डिटेल में ये सारी वीडियो होने वाली है, तो शुरू करते हैं। तो अगर आप बाइक खरीदने जा रहे हो तो इसमें तीन चीज़ें हैं मेन। पहली चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या चेक करना है। इसके बाद दो चीज़ें हैं, इनमें से एक कैटेगरी है जिसमें आप जो डील ब्रेकर नहीं है, और एक चीज़ आती है जो चीज़ डील ब्रेकर है, जो कि अगर आपको गाड़ी में मिलती है तो आपको सीधे नो नो है, आपको वो गाड़ी लेनी ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें डॉक्यूमेंट की, तो इसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ पूछनी है ओनर से कि गाड़ी उसने लोन पर ली थी या उसने कैश दिया था। तो अगर उसने गाड़ी कैश पे लिया तो उससे तीन चार चीज़ें लेनी है। पहले तो एक आरसी, और आरसी में आपको चेक करना है उसमें हाइपोथिकेशन ना हो। मतलब अगर कोई गाड़ी लोन पे लिया जाता है तो जो पोजेशन है वो आपके पास रहता है, पर जो गाड़ी की ओनरशिप होती है वो बैंक की होती है या जो फाइनेंसर है उसकी होती है। तो आरसी पे उस केस में ना एचपी लिखा होता है या तो फिर फाइनेंसर का नाम लिखा होता है, वो चीज़ ना हो। अगर उसने लोन पे लिया हो तो वो हाइपोथिकेशन हटा चुका हो, ये चीज़ मेक श्योर कर लेना। तो तब नई आरसी आती है, उसमें फिर एचपी हट के आता है। तो आपके पास एक आरसी होनी चाहिए, इस पर हाइपोथिकेशन ना हो। गाड़ी का वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन आप बाद में करा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, और बाकी के जो नॉर्मल छोटे मोटे कागज़ है वो आप ले सकते हैं। पर ये मेन एक दो चीज़ है, एक तो इंश्योरेंस, एक गाड़ी का आरसी, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। और अगर गाड़ी का लोन है तो उसकी उससे एनओसी मांगनी है आपको, जो कि लास्ट 3 महीने के अंदर की हो, क्योंकि इसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है एनओसी की। तो अगर एनओसी एक्सपायर हो गई है तो फिर उसको दोबारा एनओसी निकालना पड़ेगा। तो अगर एक्सपायर हो चुके तो उसको बोलो वो निकाल के दे, क्योंकि एनओसी दोबारा निकालने के बाद कुछ चार्ज होता है 500 रुपये के आसपास। मेरे केस में था जो एनओसी थी वो मेरे केस में 3 महीने तक वैलिड थी, तो 3 महीने के बाद आप उस एनओसी को यूज़ नहीं कर सकते हाइपोथिकेशन हटाने के लिए। उस केस में आपको दोबारा फिर अप्लाई करना पड़ता है, और फिर वही 45 दिन या 30 दिन का जो वेट टाइम है शायद वो भी आपको बेयर करना पड़े। तो ये देख लेना कि आरसी में हाइपोथिकेशन ना हो, और अगर हाइपोथिकेशन हो तो उसका जो एनओसी उसने लिया है वो अब तक वैलिड हो। अब आते हैं गाड़ी चेकअप पर, गाड़ी चेक कैसे करें। तो सबसे पहले इसमें कुछ एक चीज़ है जो चीज़ ना, जैसे अगर क्योंकि आप पुरानी गाड़ी ले रहे हो तो वेरेंटी ऑफकोर्स होता है, तो कुछ चीज़ें जो इसमें डील ब्रेकर नहीं है तो उनमें आपको क्या क्या चेक करना है। तो सबसे पहले आता है गाड़ी की फिज़िकल कंडीशन। तो आपको हर तरफ से गाड़ी देखना है कि गाड़ी कहीं से टूटी फूटी ना हो, कहीं से आवाज़ ना कर रही हो। अब इसमें यह है कि अगर आप एक 1.5 साल पुरानी गाड़ी देख रहे हैं, एक जिसके लिए आप एक अच्छा प्राइस भी पे कर रहे हैं, तो उस केस में आपको चेक करना है कि गाड़ी में कोई स्क्रैच वगैरह ना हो, डेंट ना हो, गाड़ी कहीं से एक्सीडेंटल ना हो। और उसमें कुछ चीज़ें आपको जैसे ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर गाड़ी इस साइड गिरती है सबसे पहले तो हैंडल घिसता है। तो जैसे ये स्क्रैच है, इसका मतलब ये है कि इस साइड में गिरी है, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं उस साइड देखूँ तो इसमें पता लग जाएगा इस साइड ऐसा कोई स्क्रैच नहीं है, इसका मतलब गाड़ी इस साइड से नहीं गिरी है। इंडिकेटर सारे काम कर रहे हो, जितने भी बटन्स हैं, डिस्प्ले है, डिस्प्ले में हर चीज़ फंक्शन हो, सारे बटन दबा के देख लेना, टाइम ट्रिप सब चेंज हो रहा हो, बटन सारी हैज़र्ड हाई भी सब करके देखना है, सारे बटन्स चेक करने हैं। फिज़िकल कंडीशन में जितनी भी चीज़ें आती है ना जो देखने में, वो सारी चीज़ आपको चेक करनी है, और जितना प्राइस पे कर रहे हैं उसके हिसाब से आप कंडीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बाद में भी ये चीज़ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये तो फेयरिंग बाइक है, इसकी फेयरिंग पूरी 12,000 की है, पर अगर नॉर्मल कोई बाइक है जैसे छोटी मोटी बाइक है तो उसके लिए उसको आप मतलब पूरी बॉडी चेंज हो जाती है 2,500-3,000 के आसपास में, तो ये बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है। प्लस टायर कंडीशन देख लेना आप, अगर उसने किलोमीटर के हिसाब से सही टायर कंडीशन दिख रहा है आपको तो वो भी देखना, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे चेक करना है। चेन सेट चेक कर लेना, थोड़ा सा चला के चेक कर लेना, ये सब चीज़ आपको देखनी है। फिज़िकल कंडीशन एक चीज़ है जो आप मतलब नेगलेक्ट कर सकते हो बाइक लेते टाइम, और जिस हिसाब से आप प्राइस पे कर रहे हो उस हिसाब से आपको कंडीशन चेक करनी है। पर यह है कि अगर प्राइस पे कर रहे हो तो आपको चीज़ ठीक ही मिले, तो वो चीज़ आपको एक बार मेक श्योर कर लेनी है। फिर दूसरी एक चीज़ आती है सॉकर, आपको देखना है कि सॉकर कहीं से लीक ना हो। तो उसके लिए आपको यह सॉकर पे जाना है, ये होती है सॉकर के ऊपर का कवर, ये सील नहीं है, ये चीज़ देख रहे हैं ये सील नहीं है, सील है इसके अंदर। तो सॉकर कहीं से लीक ना हो, सॉकर अगर लीक हो रहा है ना तो 400 रुपये के आसपास का खर्चा मेरे मोहल्ले में आता है, आपके मोहल्ले में आई डोंट श्योर कितना पड़ेगा। तो एक बार ये सॉकर भी देख लेना, क्योंकि ये भी एक तरह से थोड़ा महंगा ही पार्ट पड़ता है, चेंज करने में ऑफकोर्स 3-4 हज़ार रुपये खर्चा आता है, पर ये रिपेयर हो जाते हैं। तो इस सील ये भी एक बार देख लेना कि ये लीक ना कर रहे हो, ठीक है। और नीचे की तरफ से भी देख लेना कि इंजन कॉल वगैरह नीचे से टूटा ना हो, बाकी जिन बाइकों में होता है। और स्टैंड ऊपर नीचे करके देख लेना, स्टैंड टूटा ना हो, जो साइड की ग्रिल्स है ये सारी अच्छी कंडीशन में हो, ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना, ब्रेक सारी चल रही हो, क्योंकि ये सारे वारंटी में आते हैं, ब्रेक जब तक चलते रहते हैं तब तक चलते हैं, उसके बाद ख़राब भी होते हैं टाइम के साथ साथ, तो ये चीज़ें आप बाद में भी चेंज करा सकते हैं। तो जिस हिसाब का आप प्राइस पे कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसकी कंडीशन भी देख लेना।
अब एक सबसे मेन चीज़ आती है कि यूज़र जितना बोल रहा है किलोमीटर चला है या नहीं, उसके हिसाब से उसने वो बाइक असली में चली है या नहीं। जैसे अगर कस्टमर बोल रहा है कि 10,000 किलोमीटर चली है, तो कैसे चेक करना है कि एक्चुअल में वो 10,000 किलोमीटर चली है या नहीं, या उसके मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ है। ये चीज़ आपके साथ होती है मेनली डीलर के पास। तो इसमें आप ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा 100%, इसमें आप बिल्कुल भी धोखा नहीं खा सकते कि ये कितनी एग्जैक्ट चली है, उतनी वैल्यू कैसे पता करें। तो गाड़ी के आरसी पे गाड़ी का जो बाइंग टाइम है, मतलब इसका जो ईयर है, जैसे मेरे केस में यह है 2018, तो जो टायर होते हैं ना, टायर पे भी मैन्युफैक्चरिंग का डेट लिखा होता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग टायर का डेट होता है, वो गाड़ी के आरसी से 2-3 महीने पहले का होता है। तो आपको ये देखना है कि आगे और पीछे के टायर दोनों, अगर आप 15,000 के नीचे किलोमीटर के अगर आप खरीद रहे हो, तो टायर कोई भी चेंज नहीं होता। पीछे वाला जो टायर है वो 17-18,000 किलोमीटर पर चेंज होता है, जो आगे वाला है वो 30,000 किलोमीटर पर चेंज होता है, ठीक है। अब इस किलोमीटर के हिसाब से आप देख लेना आपको कौन से टायर चेक करने हैं, दोनों टायर चेक करने हैं। अगर आप बिल्कुल, मतलब अगर यूज़र बोल रहा है कि 5,000, 7,000, 10,000 चली है, तो टायर चेंज होने का कोई सवाल नहीं होता, भले ही गाड़ी 8 साल खड़ी रही हो। मेरे इस केस में मेरी ये गाड़ी 6 साल ऑलमोस्ट खड़ी रही है, पर गाड़ी का कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू है। साइड के बाल भी देख सकते हो। और ये मैंने कैसे चेक किया, गाड़ी है 2018। अब गाड़ी में होते हैं कुछ नंबर, एक साइड अगर आपको ना दिख रहा हो तो दूसरी साइड देख लेना। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 17-18, जो फर्स्ट के दो नंबर है ये है इनके वीक, मतलब एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, महीना आ जाएगा। और ये है 2018, तो मेरी गाड़ी 2018 की है, मतलब ऑलमोस्ट जून अगस्त की। तो ये बिल्कुल 1-3 महीने पहले के ही है गाड़ी के नंबर से। इसका मतलब ये जो टायर है, ये गाड़ी के साथ ओरिजिनल लग के आए थे। और एक बार ऑनलाइन भी देख लेना कि उस गाड़ी के साथ कौन सा टायर लग के आया था। मेरे इसमें MRF का यही वाला लग के आया था, तो ये वाला टायर बिल्कुल सेट इसके साथ मैच करता है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। सेम चीज़ मैंने आगे वाले टायर के साथ भी चेक की, इसमें भी वही टाइम था। तो इसका मतलब इसके टायर बिल्कुल चेंज नहीं हुए, जो इसके साथ स्टॉक लग के आया था वही टायर है। और इस चीज़ का मतलब है कि इस टायर की कंडीशन को देखकर मैं बता सकता हूँ कि 8-10,000 किलोमीटर से ऊपर नहीं चली है, क्योंकि 17-18,000 किलोमीटर पर गाड़ी के टायर घिसते हैं। तो मेरी गाड़ी, मेरे इसके ओनर ने 8,000 किलोमीटर दिखाया मुझे मीटर पे। अब इस पे हो चुके हैं ऑलमोस्ट 11,700, तो 3-4,000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। तो ये 8,000 किलोमीटर के हिसाब से टायर बिल्कुल सेट थे। इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जो टायर है ये इसी के साथ लग के आए थे, तो इसकी जो 8,000 किलोमीटर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रेंज है जो यूज़र ने बताई थी। तो ये तो एक तरीका था जिससे आप चेक कर सकते हो कि यूज़र जो इसके मीटर है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है नहीं की गई। इसके साथ एक और आपका डील ब्रेकर चीज़ है जो आपको चेक करना है, जो है इंजन सील है या नहीं। उसके लिए आपको चेक क्या करना है, ये रहा इंजन में किसी भी तरह का कोई भी ऑयल स्पिल नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे इस केस में देख रहे हो, ऑयल में एक बूंद का भी कहीं से भी लीक नहीं है, मतलब कहीं भी आपको ऑयल नहीं दिख रहा है। क्योंकि ऑयल जहाँ भी लगता है ना, वो आपको दिख जाता है कि वहाँ पे वो ऑयल है, पानी नहीं है। तो अगर गाड़ी का इंजन कभी भी खुलता है तो ये उसकी सील होती है। तो ये चीज़ ना कभी कटी या ऐसे रही जाती है, कि एक बार जो कंपनी से लग के आ गया ना, वो लग के आ गया। उसके बाद अगर आप कुछ भी इंजन के साथ कर रहे हो, तो वो वैसी वाली फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो इंजन से जो ऑयल है वो लीक होता है किसी ना किसी तरह से। वो एक बार चेक कीजिएगा, पूरे इंजन में कहीं भी तेल ना घूम रहा हो, ठीक है। एक साइड ये हो गया, दूसरी साइड में दिखा दूँ, ये है दूसरी साइड। इस साइड भी बिल्कुल सेम है, कहीं भी आपको ऑयल की एक बूंद नहीं दिख रही। इसका मतलब इसका इंजन जैसा सील था वैसा का सील है। अगर इंजन खुलेगा तो इंजन लीक करेगा, ये बात की गारंटी है। इस पर दूसरी चीज़ एक और है, जो इसकी सील होती है उसकी कंडीशन भी देखनी है। जैसे ये देख रहे हो, आई डोंट नो दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, पर ये जो सील है ना, ये किसी और बाइक की भी आप देख लेना, बिल्कुल बराबर होती है। ये ना कहीं से बाहर ऐसे निकली या खुरदुरी नहीं होती या दबी नहीं होती, क्योंकि इंजन से लग के आती है, वो सबसे बेस्ट फिनिशिंग होती है। तो एक बार इंजन हटता है तो उसका सील भी चेंज होता है। उस केस में भी फिर वो ये सील जो है ना, ये बिल्कुल ऊपर नीचे होता है। तो ये दो चीज़ आपको इंजन में देखना है, इंजन का ऑयल किसी भी तरह से रिस ना रहा हो, कहीं से भी एक बूंद ना दिख रही हो। इस जगह पे दिख सकता है, क्योंकि जब चेन में लुब्रिकेशन करते हैं ना, तो ये घूम के इस जगह पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा तेल फेंकता है। मेरे इस केस में नहीं है, पर थोड़ा बहुत इस जगह पे हो सकता है। इसके अलावा पूरे इंजन में सील के आसपास कहीं भी ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसका मतलब उसका इंजन खुल चुका है। दूसरी चीज़, इंजन के जो नट्स है, मेरा ये फेरिंग है, इसके दिख नहीं रहा है। इंजन जो इसके जो बेस मेन फ्रेम है, उसमें जितने भी नट है, वो नट घिसे हुए नहीं होने चाहिए। जैसे ये सारे नट ना, ये इधर तो क्लच के लिए खुलता है, पर ये सारे नट ना खुले नहीं होने चाहिए। ये वाले नट है, ये वहाँ यहाँ पर ये नट है इंजन का, दिखाता हूँ। ये वाला जो नट है, ये सारे नट एक बार आपको चेक करने, ये घिसे हुए ना आए। अगर क्योंकि अगर इंजन खुलता है तो ये भी घिसता है। तो ऐसे आपको एक बार चेक कर रहा है, इंजन से कुछ भी ना हो। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप गाड़ी चेक करने जा रहे हो ना खरीदने के लिए, तो यूज़र को बोल देना कि गाड़ी को कम से कम 3-4 घंटे तक चालू ना करें। तो उस केस में क्या होगा, आपका इंजन ऑयल जो है ना, वो नीचे बैठ जाएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इंजन ऑयल खा रही है नहीं खा रही। जैसे मेरा ये है, अभी 15 मिनट से खड़ा है, तो इतना सा इंजन ऑयल इसके अंदर है। अगर इंजन ऑयल लेवल से कम है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंजन ऑयल खा रही है। इसका मतलब इंजन में
काम हुआ है या काम की ज़रूरत है। और जब गाड़ी आप ठंडी चालू करते हैं ना, जैसे अगर आप बोल रहे हो 2-3 घंटे चालू मत करना, क्योंकि इसका एक और रीज़न है, जब आप ठंडी गाड़ी को चालू करते हो ना, तो उसमें अबनॉर्मल आवाज़ आप पहचान सकते हो, क्योंकि गाड़ी एक बार जब चालू हो जाती है ना, गर्म हो जाती है, तो अबनॉर्मल आवाज़ थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अगर आप ठंडी गाड़ी को चालू कर रहे हो तो उसमें आप पहचान सकते हो इंजन में कोई इधर उधर मतलब ऊपर नीचे वाली आवाज़ ना आ रही हो, कोई खटखट टकटक, क्योंकि ठंडी गाड़ी में आवाज़ नॉर्मली कम होती है, तो उस केस में आप अबनॉर्मल आवाज़ को पहचान सकते हो। एक बात और, आपको गाड़ी को न्यूट्रल में डाल के उसको कम से कम 7-8 हज़ार RPM तक रेव करना है, ये देखने के लिए गाड़ी धुआं तो नहीं दे रही। किसी भी केस में अगर इंजन ने वाइट धुआं दे दिया, गाड़ी को उसी समय छोड़ दो, आपको गाड़ी नहीं लेनी, आपका गाड़ी में इंजन काम मांग रहा है या काम हो चुका है। तो अगर थोड़ा सा भी धुआं दे दे तो इंजन को बाइक को वहीं छोड़ दो, ये टोटली नो नो है और एक डील ब्रेकर है। तो ये दो चीज़ें मेन डील ब्रेकर आती है, एक इंजन से धुआं, मतलब अगर धुआं दे दी हो गाड़ी, या तो फिर इंजन का ऑयल लीक कर रही हो, या किलोमीटर वगैरह में अगर छेड़छाड़ हो, तो इस केस में बाइक को छोड़ दो। बाइक जितनी भी बाहर से अच्छी कंडीशन में, क्योंकि 2-3-4 हज़ार रुपये में ना पूरी गाड़ी बाहर से नहीं हो जाती है, पर जो इंजन का काम है ना, ये हर साल मांगती है अगर एक बार चेंज हो जाए तो। ये तो इस चीज़ का आपको खास कर ध्यान रखना है। और अगर आप गाड़ी ले रहे हो ना, तो उस पर ऑफकोर्स एक अच्छा पैसा आप लगा रहे हो, तो आपको एक बार मतलब उस यूज़र से गाड़ी लेनी है, और उसको जितने भी गियर उस गाड़ी में है, हर एक गियर पे उसको एक अच्छी स्पीड पे कम से कम 3-4 किलोमीटर चलाना है। तो टोटल मतलब आपको 15-20 किलोमीटर तो चला के देखना ही है, क्योंकि आप वो गाड़ी ना काफ़ी लंबे टाइम के लिए ले रहे हो। गाड़ी एक तरह से ना एक मोबाइल फ़ोन की तरह नहीं है कि पैसे दिए और ख़रीद ले, गाड़ी आपके पास आपके साथ ना लीगली कनेक्ट होती है, सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। तो गाड़ी के साथ अगर कोई कांड होता है तो आप फंसते हो, आपके साथ कोई कांड हो गाड़ी भी जब्त हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए गाड़ी को लेने से पहले जल्दीबाजी ना करें, गाड़ी को सारी गियर पे चला के देखें, फर्स्ट गियर हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड गियर ठीक हो, उसका थर्ड गियर में ख़राब हो, तो हर गियर पे चला के देखना है आपको कि गियर शिफ्टिंग ठीक हो, बिल्कुल इजीली चल रही हो। तो ये भी आपको एक बार चला के भी चेक करना है, ऐसा नहीं हो कि यूज़र बोले कि एक बार एक गली का राउंड मार के आ जाओ, ऐसा नहीं करना है। उसको बोलो अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो मैं तसल्ली से चेक करूँगा, उसको आराम से 7-8-10 किलोमीटर चलाओ, उसमें अगर आपको ठीक लग रहा हो उसके बाद फिर आप आगे इनिशिएट करो। एक बात और, एक बार ऑनलाइन जाके ये भी चेक कर लेना उस गाड़ी पे कोई चालान ना हो, अगर यूज़र ने क्रेड डाउनलोड कर रखा हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि क्रेड के अंदर दिख जाता है उस पर कोई चालान अभी तक पेंडिंग है या नहीं। तो ओपन चालान अगर कोई हो तो उससे अगर भरवा लेना, या तो उससे पैसे लेना, आप क्यों भागोगे, एक बार ये देख लेना बस कि उस पर कोई चालान वगैरह ना हो, वो मेक श्योर कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट में डाल देना। यही कुछ चीज़ें जैसे डॉक्यूमेंट आपको चेक करनी है, ठीक है, इंजन चेक करना है, जो किलोमीटर वो बता रहा है वो चेक करना, मीटर से छेड़छाड़ ना हो, फिजिकल इंस्पेक्शन देखना है, इंजन लीक ना कर रहा हो, धुआं ना दे रहा हो, ये सारी चीज़ें एक बार आपको चेक करनी है। और जब सब कुछ आपको अच्छा लगे उसके बाद ऑनलाइन इसको RC को तुरंत ट्रांसफ़र करना है। RC ट्रांसफ़र अब ऑनलाइन हो जाता है तो उसके लिए आपको जो आधार ऑथेंटिकेशन है उसको प्रोसेस में लाना पड़ता है। तो यूज़र को भी एक बार OTP आता है उसके आधार कार्ड से, बाकी प्रोसेस आपके साइड से होता है। उस केस में आपकी गाड़ी का वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इंश्योरेंस कराओ, उसके बाद फिर वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो इस चीज़ का एक बार ध्यान रहा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंट है ना उसके लिए कहा था कि वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए गाड़ी का, RC होना चाहिए, ये एक बार देख लेना। गाड़ी पर कोई लोन लेनी नहीं होना चाहिए, और अगर गाड़ी का लोन उसने ख़त्म कर दिया है, उसकी NOC वैलिड भी है, तो उसकी NOC को भी आप एक बार हाथ में रखना, क्योंकि जब आप RC ट्रांसफ़र कर डालते हो ना तो हाइपोथिकेशन हटाने के लिए अलग से एक प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, उसी टाइम आ जाता है एक टिक मार्क का। तो अगर आप जब आप RC नाम पे करा रहे हो उसी टाइम आप हाइपोथिकेशन भी हटा सकते हो। तो इस ये भी एक थोड़ा सा ईजी हो गया है, तो बस यही एक बार बताना था। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।